अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। चलिए देखिए, आपकी मैथ स्टेप 3 बुक ओपन करें। लास्ट चैप्टर जो हमारा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ख़त्म हो चुका है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द होल नंबर सबिस नंबर निकालिए 9 नंबर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, डेट डालिए 9 अप्रैल 2020। लिखा हुआ है काउंट एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है नंबर्स को, और देन आपने अगला जो है वो नंबर लिखना है। यहाँ नेक्स्ट 5 नंबर लिखा है, तो आपने इसको सिर्फ वन नेक्स्ट वन नंबर लिखना है। आपने यानी सिर्फ 5 नंबर्स का हमें कहा है, तो लेकिन आपने सिर्फ बुक में से सॉल्व करना है, तो आपने सिर्फ वन नंबर का लिखना है। तो यहाँ दिया है 1000, तो 1000 के बाद अगला नंबर क्या होगा, काउंट करते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद क्या आता है 11। इसी तरह ये 1000 है, तो 1000 के बाद क्या आएगा 1001। ठीक है, देन दूसरा देखें 10010, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10011। यहाँ है 10020, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10021, 10030, 10031। ओके, ये पूरा आपने सॉल्व करना है। देन नीचे आइए, कंप्लीट द गिवन टेबल नंबर्स 10000 100 10 and 1। तो यहाँ देखिए नंबर्स लिखे हुए, आपने इन नंबर्स को इसमें चार्ट में पुट करने, लेकिन आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है, फर्स्ट इस वाले नंबर से, यहाँ से नहीं लेना। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से लिखा पहला नंबर आपने लिया 1, 1 लिखा वंस में, 4, 4 लिया टेंथ में, फिर 4 लिया, 4 आ गया 100 में, देन दूसरा आ गया 4000 में। इसी तरह से यहाँ से नीचे वाला नंबर देखते हैं 3305, तो वंस वाला नंबर वंस में लिखेंगे, टेंथ वाला टेंथ में, 100 वाला 100 में, एंड देन जो है 1000 वाला 1000। 10000 के हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये पूरा आपने खुद से कंप्लीट करना है, देन अपने पेरेंट्स पर चेक करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।